सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा पाँचवीं, विषय हिंदी, पाठ फोर्थ, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्यारे बच्चों, हमने ये कंप्लीट रीड कर लिया था। इस पाठ में हमने बच्चों हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषाएं, भौगोलिक विविधताओं के बारे में जाना था। साथ ही यहाँ की जलवायु, खान पान, भाषा, धर्म के बारे में इस लेसन के अंदर हमने रीड किया था। और विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हमारा भारत देश एक है, सभी देशों में श्रेष्ठ है। प्यारे बच्चों, भारतवासियों को देश की एकता, संस्कृति और महान विरासत पर गर्व है। प्यारे बच्चों, हमने हमारा लेसन कंप्लीट रीड कर लिया था। आज करेंगे बच्चों हम अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले दिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो हमारे प्रश्न दिए हुए बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह दिया, व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। कह दिया, व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है और क्यों? प्यारे बच्चों, धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। आगे दिया अब लिखा जाए में फर्स्ट दिया हुआ यानी सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। जैसे कह दिया हुआ हमारा, बादलों का घर के नाम से किसे जाना जाता है? असम को, अरुणाचल प्रदेश को, मणिपुर को, मेघालय को। ये क्या आएगा? मेघालय को। कह दिया हुआ, समुन्द्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन क्या है? दाल बाटी चूरमा, मछली चावल, लिट्टी चोखा, नान, सब्जी। तो क्या आएगा? मछली चावल। आधुनिक युग में भारत ने किस ग्रह पर अपना यान सफलतापूर्वक भेजा? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो किस पर भेजा बच्चों? मंगल पर। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हमारे प्रश्न दिए हुए बच्चों हो, इनके उत्तर हमने राइट करने हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, असम प्रदेश का भौगोलिक वर्णन कीजिए। उत्तर क्या आएगा बच्चों? भौगोलिक दृष्टि से असम प्रदेश ऊंचा नीचा अर्थात असम है। असम को कुछ लोग दुर्गम ऊंचे पर्वत, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। कह दिया हुआ बच्चों, हिंदी भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में क्या योगदान कर सकती है? हिंदी भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में क्या योगदान कर सकती है? उत्तर क्या आएगा बच्चों? हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, अतः इसे राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। पूरे देश में अधिकांश लोग इस भाषा को बोल या समझ सकते हैं। इस प्रकार अपनी भाषीय स्वीकार्यता के द्वारा हिंदी देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। गैदिया, वह धार्मिक स्थलों में क्या समानता दिखाई देती है? गर्भगृह, आंगन, गोपुरम में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। मंदिरों का वस्तुशास्त्र ही अथवा उनकी मूर्तियां सभी में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। आगे दिया बच्चों फोर, भारत विविधताओं का देश है, फिर भी एकता में बंधा है कैसे? उत्तर क्या आएगा? यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होते हैं, तदापि आचारों विचारों की एकता के कारण ही यह सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को यहाँ सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीयता की भावना एक ऐसी भावना है जो समस्त भारतीयों को एकता के सूत्र में समेटे रखती है। एक बार फिर रिपीट करते हैं बच्चों, यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होते हैं,
तथापि आचारों विचारों की एकता के कारण ही यहाँ सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीयता की भावना एक ऐसी भावना है जो समस्त भारतीयों को एक एकता के सूत्र में समेटे रखती है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने। आगे थ्री दिया हो बच्चों, सही मिलान कीजिए। जैसे कह दिया केंद्र शासित प्रदेश, साथ हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा, राज्यों की संख्या 29, ढोकला गुजरात। आगे दिया सही वाक्यों के सामने टिक अथवा गलत वाक्यों के सामने क्रॉस लगाइए। जैसे कह दिया हुआ है राजस्थान में रेत की आंधियां चलती है, तो क्या आएगा, यस यानी टिक। हमारे देश में एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, गलत। संस्कृत भाषा भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है, सही। जलवायु का प्रभाव पोशाक पर नहीं पड़ता, गलत। श्रीखंड महाराष्ट्र की प्रसिद्ध मिठाई है, ठीक यानी सही। आगे दियो बच्चों भाषा ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे धरती, धरती का क्या आएगा, धरा, भूमि, स्वर्ग, देवलोक, सूर्यलोक, विश्व, विश्व के क्या आएंगे, संसार, दुनिया, देश, देश का क्या आएगा पर्यायवाची शब्द, मुल्क, राज्य, मनुष्य, मनुष्य क्या आएगा, आदमी, नर। आगे दी हुई बच्चों हमारा टू में, जल्दी जल्दी चलो शाम तक वहाँ पहुँचना है, रेखांकित शब्द चलो तथा पहुँचना है, क्रिया के बारे में सूचना दे रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया कैसे, कहाँ, कब और कितनी मात्रा में हो रही है, इनकी जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। प्यारे बच्चों, जो निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए, यानी जो हमारे इन वाक्यों के अंदर क्रिया विशेषण शब्द है वो हमने यहाँ से चुनकर यहाँ पर राइट करने हैं। जैसे कह दिया हुआ उत्तरी भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है, तो हमारा क्रिया विशेषण शब्द क्या है, चाव से। कह दिया हुआ है मंदिरों में पर्याप्त समानता दिखाई देती है, क्या आएगा, पर्याप्त। भाषाओं के भीतर बहने वाली विचारधारा समान है, क्या आएगा, भीतर, क्रिया विशेषण शब्द है। पर्वतीय भागों में बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द बहुत। आगे दिए बच्चों निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए, यानी जो हमारे शब्द दिए हुए हैं वो उनके हमें लिंग बताने हैं। जैसे पर्वत, पर्वत क्या है, पुल्लिंग, गुरुद्वारा पुल्लिंग, ठंड स्त्रीलिंग, शिकार पुल्लिंग, घर पुल्लिंग, मूर्ति स्त्रीलिंग। आगे फोर में दिया निम्नलिखित वाक्यों में निपातों को रेखांकित कीजिए। निपात यानी अवधारक, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे कि भी, तो, तक, केवल, मात्र आदि। जैसे कह दिया हुआ जलवायु ने लोगों के खान पान में भी काफ़ी अंतर ला दिया, तो निपात यानी अवधारक शब्द कौन सा है, भी। नदी, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के साथ प्रेम करना ही देश प्रेम है, तो क्या आएगा, ही। तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, तो सर्कल के यहाँ पर रेखांकित किस चीज़ को करेंगे हम, तो। वह मेरे साथ ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, मेरे साथ यानी ही जाएगा, ही आएगा। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी भाषा ज्ञान और अभ्यास। प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और जो एक्सरसाइज दी हुई है वो आपने अपनी बुक में फिल करनी है। थैंक यू।